आईएससी का रिजल्ट आ चुका है। ऑल ओवर इंडिया की परसेंटेज पे अगर गौर करें तो 95.27% ऑल इंडिया परसेंटेज रहा, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में देहरादून की लावण्या तनेजा ने 98.50% हासिल की है। क्या रहा उनकी इस सफलता का राज और क्या इनके तैयारियों के पीछे क्या कहानियां रही, आइए उनसे खुद जानते हैं। लावण्या, कैसे तैयारियां की इतनी अच्छी रह पाने के लिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक इसी को दिमाग में रखकर नहीं पढ़ाई की थी, बस शुरुआत से रेगुलर रहे थे और जो जो पढ़ाया गया था उसको अच्छे से समझ कर और प्रैक्टिस करके ही तैयारी की, तो उसी का रिजल्ट है। रोज़ाना क्या शेड्यूल रहता था? रोज़ाना शेड्यूल, पहले तो सुबह उठकर थोड़ा एक घंटे की कोशिश करते थे कि पढ़ाई हो जाए, देन उसके बाद स्कूल जाना होता था, फिर कोचिंग का हो जाता था तो वहाँ जाना पड़ता था, एंड देन रात को एक डेढ़ घंटा जो मिलता था वो यूटिलाइज करते थे, बट जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम। नॉर्दर्न इंडिया में आप रैंक फर्स्ट माने जा रहे हैं, 98.50 एक बहुत अच्छा परसेंटेज है, तो क्या कैसे तैयारियाँ की इस परसेंटेज को पाने के लिए? मैंने अपना डेली बेसिस पे रेगुलर स्टडीज़ की, जो भी स्कूल में असाइनमेंट्स दिए जाते थे, होमवर्क दिया जाता था, वो अपना रेगुलर मेंटेन रखता था, और बस जो स्कूल में एग्ज़ाम्स होते थे उनमें कोशिश करता था अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, और वही उसमें बोर्ड में भी मटेरियलाइज होता।